गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सब कुछ एग्जैक्ट वर्ड में डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आगे हम इसके नोट्स प्रोवाइड करेंगे और दोबारा से जब ये आर्टिकल आएगा, मतलब जब नोट्स आएंगे तो हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। हमारे द्वारा कोई आर्टिकल छोड़ा नहीं जाएगा। तो पहला आर्टिकल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। अदर आर्टिकल जो है हम पहले देख लेते हैं, जैसे मोबाइल इंटरनेट बैक इन मणिपुर। मणिपुर में क्या हुआ है, मोबाइल इंटरनेट को बैक कर दिया गया है, लोगों को अलाउ कर दिया गया इंटरनेट यूज़ करने के लिए। आपको ये चीज़ जानना चाहिए यहाँ पर कि इंटरनेट के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्या इंटरनेट से बेनिफिट होते हैं, क्यों इंटरनेट केरला के हाई कोर्ट ने इसे एक फंडामेंटल राइट करार दिया था। इसके रीज़न हमें जानना चाहिए, तो हम इसके रीज़न जानेंगे, देखेंगे कि कैसे इंटरनेट का यूज़ होता है। अगला आर्टिकल जो है वो निज्जर डेथ केस के बारे में, क्या हुआ है, कनाडा में एक जो खालिस्तानी लीडर हैं उनकी डेथ हो गई है, तो वहाँ पर थोड़ा इंडिया और कनाडा के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई है। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऑब्स्टेकल और बहुत सारे इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला आर्टिकल हम देख लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला आर्टिकल। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो 1985 में आया था। ठीक है, इसने ऐड किया था 10th शेड्यूल को। देखो पहले हम समझ लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। क्या होता है, जो आया राम गया राम की राजनीति है, इसका कॉन्सेप्ट आया राम और गया राम से। देखो क्या हुआ, पहले क्या करती थी, 1985 से पहले पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होते थे वो दल बदल लेते थे, इसीलिए इसे दल बदलू कानून कहा जाता है। दल बदलू कानून, इसलिए दल बदलू कानून क्यों कहा जाता है, 1985 से क्या हुआ कि मान लो, एज्यूम कर लो कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो यहाँ जो कांग्रेस के एमपी हैं वो बीजेपी में जाकर भर्ती हो गए और उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हुआ और उनकी एमपी पद वैसे की वैसे ही सुरक्षित है। ये इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया कि आपको, आपने जो वोट दिया वो कांग्रेस को दिया, आपने आइडियोलॉजी क्या थी कि सॉरी कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर आपने वोट दिया, आपने कहा कि हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं क्योंकि ये हमें ऐसे ऐसे सपोर्ट करती है। आपने क्या किया कि आप बीजेपी में जाकर भर्ती हो गए। तो इसलिए क्या होता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का मेन पर्पस था आइडियोलॉजी को सुरक्षित रखना। तो इसीलिए ये दल बदलू कानून आया था कि ताकि कोई भी लीडर, कोई भी एमपी एमएलए जो अदर पार्टी में ना जा पाए क्योंकि वो जिस पार्टी से चुना गया है वहाँ की पब्लिक ने उसकी आइडियोलॉजी, उसके वर्क, उसकी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए वोट दिया। ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों आया, मैंने आपको बताया, क्योंकि क्या होता था, जो पार्टी की पावर कम होती थी, खरीद फरोख्त होती थी, हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, वो खरीद फरोख्त करके पार्टी, मतलब वहाँ पर गवर्नमेंट बना लेते थे किसी स्टेट में या फिर सेंटर में, और उसकी वजह से क्या होता था, जिस पब्लिक ने जिस आधार पर वोट दिया है उसका उसे लॉस झेलना पड़ता था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया कि आप अगर पार्टी को छोड़ते हैं तो आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और आपकी मेंबरशिप, जो एमएलए पद है, जो एमएलए एमपी पद है, वो आपका जाता रहेगा। तो ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ बताया कि इसमें 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1985 में, कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को ऐड किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये एमपी और एमएलए पे होता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से जानना चाहिए, जब ये कानून आया था तो क्या था, अगर 1/3 मेंबर जो हैं, अगर वो 1/3 मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसे मर्जर माना जाएगा और एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। देखो एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी में 100 मेंबर हैं, मेरी पार्टी का नाम है, कोई भी नाम रख लो, ट्रंप रख लो, ट्रंप पार्टी है,
अब ट्रंप पार्टी में 100 मेंबर हैं। अब 100 मेंबर क्या हुआ, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद मेरी पार्टी हार गई और हारने के बाद 1/3 मेंबर जो है, या फिर मान लो जीत गई और 1/3 मेंबर जो है अदर पार्टी में चले गए। अदर पार्टी मान लो बाइडन है, 1/3 33% चले गए। अब 33% जाने के बाद क्या होगा, अगर आप इस पर केस करोगे, स्पीकर के पास जाओगे, तो स्पीकर कहेगा 1/3 मेंबर तो आपके चले गए हैं, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ इस पर नहीं लगेगा और आपका एमपी का पद बरकरार रहेगा। जो एमपीज थे उनका पद बरकरार रहेगा, जो एमएलएज थे उनका पद बरकरार रहेगा और ये मर्जर माना जाएगा। ठीक है, यही तरह से यही बात गई, मगर ये देखा गया ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसको कम करने के लिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में। ठीक है, ये 2003 में आया, इसको 2/3 कर दिया। अगर आप 2/3 से किसी पार्टी में जाते हैं, फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ, 100 मेंबर हैं किसी पार्टी में, 100 में से 2/3 चले गए, 2/3 मान लो हो गया इसका 65%, तो 65% जो हो गया, तो 65% जब इसमें से चले गए तो 65% जाने के बाद बचे कितने, 35%। तो इसमें ना इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, ना इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और इसे एक मर्जर माना जाएगा। ये क्यों किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए किया गया ताकि जो लोग किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को बरकरार रख पाएँ और पार्टी की जो मर्यादा है, जो पार्टी के आइडियोलॉजी है, वो बरकरार रहे। तो ये इस तरह से ये चीज़ आई। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो चीज़ें मैंने समझाई आपको सब समझ में आ जाएगा, बस ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें अदर चीज़ इम्पॉर्टेंट देख लो, क्या होता है जब कोई MP या MLA अपनी पार्टी छोड़ता है, मान लो एक MP है कांग्रेस में, वो BJP में चला जाता है, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि उसने अपनी पार्टी छोड़ दी है और 1/3 2/3 से भी नहीं छोड़ी है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो इस केस में जो फाइनल डिसीजन होता है वो स्पीकर का होता है और स्पीकर का जो डिसीजन होता है वो सब्जेक्ट होता है जुडिशियल रिव्यू, मतलब उस पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख लो, क्या होता है, जैसे कि मैं MLA हूँ, मैं एक MLA हूँ, अब मैंने ये पार्टी छोड़ दी, कोई पार्टी है, और मैं BJP में चला गया, BJP मेजॉरिटी पार्टी है। अब इस MLA पे कोई भी स्पीकर के द्वारा कोई भी एक्ट नहीं किया जा रहा है, मतलब स्पीकर ने इसकी सदस्यता ज्यों के त्यों रखी है, केस को सुना ही नहीं जा रहा है, क्योंकि स्पीकर इस केस को अनलिमिटेड टाइम कभी भी सुन सकता है। ये कंट्रोवर्सी है, जो कंट्रोवर्सी निकल कर आती है, तो मेन कंट्रोवर्सी ये है, डज नॉट प्रोवाइड ए टाइम फ्रेम। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आप केस को सुन क्यों नहीं रहे हो, आपको केस को सुनना चाहिए, क्योंकि आपके ये इतने दिन पुराना केस है, MP और MP की सदस्यता अटकी हुई है, अपोजिशन पार्टी इसका विरोध कर रही है, तो एक टाइम लिमिट तो रखिए। तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, यही प्रॉब्लम है कि इस टाइम लिमिट को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में एंट्री करता है, तो इसको अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अब आप ये चीज़ देख लीजिए, क्या ग्राउंड होते हैं जिस पर डिफेक्शन लगता है। देखो, पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, वॉलेंट्री गिव अप, मतलब आपने अपनी पार्टी छोड़ दी किसी भी वजह के बिना और आप जो है किसी अदर पार्टी में चले गए, तब आपकी सदस्यता जाती रहेगी और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस सीट पर दोबारा से वोट होगा। ठीक है, वायोलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब दूसरा क्या है, वायोलेशन, आप इंस्ट्रक्शन का वायोलेशन कर देते हैं। वायोलेशन कैसे होता, मान लो मैंने लोकसभा में कहा कि गवर्नमेंट के अपोज में वोट करना है आपको, मगर मैंने क्या किया, उसके सपोर्ट में वोट कर दिया, तो ये क्या हो गया, वायोलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। इस केस में भी आपकी सदस्यता जाती रहेगी। अगर आपको अगेंस्ट में वोट करना है तो 15 दिन पहले आपको पार्टी से पूछना पड़ेगा कि मैं वोट कर सकता हूँ, ये इलेक्टेड मेंबर। तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्टेड मेंबर क्या, इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं
तो उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। देखो इंडिपेंडेंट मेंबर क्यों, मैंने आपको वोट दिया कि आप ना तो कांग्रेस में है ना बीजेपी में है ना अदर पार्टी में, मैंने आपको वोट दिया कि आपकी आइडियोलॉजी में, आप जाके किसी पार्टी में भर्ती हो गई, किसी पार्टी की सदस्यता ले ली, तो उस केस में भी आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है नॉमिनेटेड मेंबर। अब नॉमिनेटेड मेंबर क्या करते हैं, जब नॉमिनेशन होता है इनका राज्यसभा या लोकसभा में, लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं मेंबर को, तो जब नॉमिनेट किया जाता है तो विद इन 6 मंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 6 मंथ आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता लेते हैं तो आप पर कोई केस नहीं चलेगा, ठीक है, कोई केस नहीं चलेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ आप पर नहीं लगेगा, ठीक है। मगर आप 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 मंथ अगर आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, आफ्टर 6 मंथ किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। तो इस तरह से हमने एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिक्स को डिस्कस किया कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कौन सा शेड्यूल है, कितने मेजॉरिटी से जाएगा तो आदमी पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा नहीं, क्या स्पीकर का रोल है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। अब अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, लीड रेटिंग से रिलेटेड। क्या होता है कि US गवर्नमेंट ने एक लीड रेटिंग डेवलप की है, लीड रेटिंग की फुल फॉर्म क्या है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन, मतलब नेट जीरो की तरफ बढ़ते हुए नेट जीरो का सर्टिफिकेट इसके द्वारा दिया जाता है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन। एक्चुअली ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो हेल्दी एफिशियंट कार्बन एंड कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग प्रोवाइड करता, मतलब इस लीड रेटिंग के थ्रू आपको ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोवाइड की जाती है, जिससे पता चलता है कि ग्लोबली आपकी जो बिल्डिंग है सर्टिफाइड है US की एजेंसी के द्वारा, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो US की एजेंसी है वो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, और इसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेट। देखो कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखना है वो आपको ये रखना है कि लीड जो रेटिंग है वो एक हेल्दी इफिशियंट कार्बन एंड कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग को दिया जाता है। देखो बिल्डिंग को मैंने हाईलाइट किया, तो ये चीज़ याद रखना, ये सर्टिफाइड किया जाता है 4 सर्टिफिकेट में, सर्टिफाइड है एक सिल्वर है, एक गोल्ड है और एक प्लेटिनम है, ठीक है। इंडिया में इसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, ठीक है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लीड रेटिंग क्या है, किसके द्वारा इशू की गई है, किस पर दी जाती है, और इंडिया में कौन एडमिनिस्टर करता है। अब इंडिया में भी एक ऐसी अपनी ही ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग होती है, इस अपनी ग्रीन बिल्डिंग का नाम क्या है, ग्रीहा, फुल फॉर्म क्या है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, मतलब इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट के लिए ग्रीन रेटिंग दी जाती है। ये ज्वाइंटली डेवलप की गई है टेरी क्या है, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इंडिया की ग्रीन रेटिंग एजेंसी है, ये 5 साल के लिए वैलिड होती है इसकी रेटिंग, और 5 स्टार रेटिंग दी जाती है, मतलब 5 स्टार में से कोई सी भी रेटिंग दी जाएगी। अदर ग्रीन बिल्डिंग इनिशिएटिव क्या है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कोड रेटिंग सिस्टम है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड डिज़ाइन किया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और ब्यूरो ऑफ एनर्जी रेटिंग सिस्टम कॉमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि गृहा इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा टेरी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा डेवलप किया गया है, ये ग्रीन बिल्डिंग को रेटिंग देती है। देखो ग्रीन बिल्डिंग का मतलब कुछ नहीं है, अगर आप कंफ्यूज रहे हैं तो ग्रीन बिल्डिंग का मतलब कुछ नहीं है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, सोलर पैनल का यूज़ होता है, कोई भी इसमें एसी से कोई भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है, नेट जीरो इमीशन होता है, मतलब आप जितना इमीशन कर रहे हैं उतना ही उसे ग्रीनरी के थ्रू या फिर सोलर पैनल के थ्रू ख़त्म भी कर रहे हैं, तो इसी को हम ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग कहते हैं। अगला आर्टिकल देख लो, टॉलरेंट वस्कुलर प्लांट स्पेसीज के बारे में। क्या होता है कि वेस्टर्न घाट पर इंडिया की 62 डेसिकेटिंग टॉलरेंट वस्कुलर प्लांट की स्पेसीज मिली है। देखो टॉलरेंट वस्कुलर प्लांट स्पेसीज क्या होता है कि इसमें
एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी ये रह सकती हैं। देखो डेसिकेटिंग माने होता है कोई चीज़ आपको एकदम बिल्कुल छोड़कर चली जाती है और आप उसके बिना स्टैंड कर सकते हैं। तो डेसिकेटिंग टॉलरेंट वस्कुलर प्लांट विद स्टैंड कर सकती है, लूजिंग अप टू 95% ऑफ देयर वाटर कंटेंट एंड दे रिवाइव देमसेल्फ वंस वाटर इज अवेलेबल। मतलब ये अपने आप को रिवाइव कर सकती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम रिसरेक्टिंग प्लांट भी कहते हैं क्योंकि ये दोबारा से उड़ जाता है और ये प्रीडोमिनेंटली ऑक्यूपाइड होता है रॉक आउटक्रॉप पे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको आप बस याद रखना कि डेसिकेटिंग टॉलरेंट वस्कुलर प्लांट वो होते हैं जो एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी रह सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, 95% तक वाटर की कमी होती है, उस केस में भी वो स्टेबल हो जाते हैं। अब देखो रिवर माइनिंग के ऊपर केस है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और जो मेजर मिनरल है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है। तो सैंड एक माइनर सब्जेक्ट है जो स्टेट इसे मतलब स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या कहा है अभी कि मैंडेटरी कर दिया है इसने ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम कंसर्न स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर रिवर सैंड माइनिंग। क्या होता है रिवर की सैंड माइनिंग से क्या होता है, पहली बात तो रिवर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, रिवर अपने धारे का रुख मोड़ लेती है। दूसरी चीज़ क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। तीसरी चीज़ क्या होता है, जो यहाँ पर एनिमल स्पेसीज होती हैं ओशियन या रिवर्स में उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात की गई है कि आपको स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेना ही पड़ेगी। ये मैंडेटरी कर दिया है माइनर मिनरल के लिए 1 सितंबर 2023 से। ठीक है, तो क्या है ये क्लासिफाइड एज माइनर मिनरल। अब वही बात आ गई कि जो सैंड होती है वो एक माइनर मिनरल होती है। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंदर एडमिनिस्टर और कंट्रोल की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको यहाँ पर एक चीज़ सर्च मार के कमेंट करना है, केवल एक कमेंट करना है कि मेजर मिनरल कौन से होते हैं। आपको मुझे बताना है मेजर मिनरल का एक टाइप बता दो, जैसे कोल हो गया या फिर बहुत इंपॉर्टेंट कोई इनर्ट मटेरियल हो गया, तो ठीक है मुझे आप एक मेजर मिनरल का नाम बताना। और ये मेजर मिनरल जो है ये एडमिनिस्टर्ड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, अल्टर रिवर बेड अल्टर हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय हैबिटेट इन एक्वेटिक एनिमल, उसके हैबिटेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, जो एक्वेटिक एनिमल के घर होते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग पे इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हमने आज आर्टिकल डिस्कस किए। आपसे मेरी दरख्वास्त है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमारे व्यूज़ बढ़ें और हम ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव को तैयार कर सकें। थैंक यू वेरी मच।